हेलो हेलो जी, क्या क्या हाल है हाल है। आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप जी, थोड़े क्या दिन नाम पहले है आपका? मुझे नाम नहीं पढ़ा, समझ में आ रहा है। एसिम्बालियो हाँ नहीं, ये हमारा असली नाम नहीं, हमारा असली नाम उमर उमर है। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे आप उमर जी? आप थोड़े दिन पहले आप लाइव पे आई थी, तो आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ कहा था, आपको याद होगा। जी आप मुसलमान नहीं थी हो? अच्छा, अब सोचो कितनी जी, बदनसीब, आप मुसलमान पैदा हुई उसके बाद आपने मुसलमान मजहब छोड़ दिया। वो आप सोच रहे हो ना, बदनसीब हो। मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैं अब अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी रही हूँ। किसने ब्रेन वॉश किया? वो आपकी सोच है। ब्रेन किसने ब्रेन वॉश किया आपका? वॉश की क्या बात है इसमें? मेरा दिमाग खुल गया है। एक्चुअली पहले ब्रेन वॉश हुआ हुआ था, अब खुल गया है। आप मुझे एक बात बताएं, मुझे आप एक बात बताइए कि आप ही का मजहब क्यों ठीक है? क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं ठीक है, जो आपके मजहब से पहले आई? हिंदुइज्म जो आपके मजहब से पहले आया, वो क्यों नहीं ठीक है? या उससे पहले जो रिलीजन आई, वो क्यों नहीं ठीक है? नहीं, मतलब जो पहले आया वो ठीक होता है। पहले आए थे जो, वो गलत क्यों है? देखो, कोई भी मजहब अपनी किताब पे नहीं चलता है। हिंदुओं को बोला है गॉड की कोई इमेज नहीं होती, फिर भी वो लोग पुतले बना के उसकी पूजा करते हैं। किसने कहा क्रिश्चियन आपसे? क्या, किसने कहा? गीता किसने कहा पढ़ी कि आपने? हिंदुइज्म में इमेजेस नहीं होती हैं? किसने कहा है आपसे? हाँ, गॉड की कोई इमेज नहीं होती है। सब 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 किसने इंसान को कहा? नहीं, कयामत के उनकी दिन होती देखेंगे है, खुदा उनकी को। गॉड की इमेजेस होती हैं, आपके गॉड की नहीं है। तो उनके गॉड की होती है, और उनसे पहले भी बहुत सारी रिलीजन्स थी, एंशियंट रिलीजन्स थी, उस पर आप बात कर लीजिए। आप लोगों ने तो चुराई भी है रिलीजन। आपके इस्लाम में आधी चीजें तो जूडाइज्म से आई नहीं है, और फिर बाद में जो है क्रिश्चियनिटी से आई नहीं है। आप लोगों की बिल्कुल तो रिलीजन गलत ही है, कॉपी है। बिल्कुल क्यों गलत है। क्यों गलत? हम लोगों का मजहब जब कंप्लीट हुआ, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी चीजें कॉपी की थी। क्या कुछ भी वापिस कॉपी रखते नहीं थे किया? वो, वापिस कॉपी करके आ जाते थे कॉपी पेस्ट। कोई नमाज पढ़ता था कि दुनिया में नहीं पढ़ता था ना? उनने सिखाया था नमाज पढ़ना। फारसी पढ़ते थे, नमाज कहाँ से आई है? नमाज पारसियों के उसमें से आई है। पांच पांच वक्त की नमाज पारसी पढ़ते थे। उन्होंने 5 वक्त ही नहीं थे पहले, 50 वक्त ही उनने कम करवाई थी। आपकी नॉलेज बहुत कम है, आपको बढ़ानी पड़ेगी। नमाज छीनी, वहां से उन्होंने वो चीज चुराई, दूसरी चीजें दूसरी जगह से चुराई है, रोजे कहीं और से चुरा लिए, बिल्कुल गलत है, हर चीज चुराई दी है सब। बिल्कुल गलत है। जो पहले रिलीजन आए वो सारे गलत गलत हैं। क्यों है आप कह रहे हो तो गलत हो जाएगा भाई। इतने स्कॉलर्स बैठे हैं, लोग पढ़े हुए लिखे हाँ बैठे हैं, रिसर्च करके बैठे हैं, वो सब गलत है। आप ठीक हो, आपकी क्या देखो, क्वालिफिकेशन जाकिर नाइक से कितने लोगों को डिबेट कर चुके हैं, हर रिलीजन का कर चुका है। कभी है? जीता है, वो झूठ कभी बोलता है जीता एक नंबर का, वो झूठ बोलता है एक नंबर का। है। ओ अच्छा, जो सही बोलता है तो वो झूठ बोलता है। हाँ नहीं, क्यों वो झूठ आपका? सही आपके लिए है ना, वो सही बोल रहा है ना आपके लिए। आप मुझे एक बात बताओ, तो वो आपकी डिबेट बहन करता है ना वो। कुछ आप, बोलती है? नहीं, एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए, आपकी कोई बहन है? कोई बहन है आपकी? हाँ है, क्यों? कितने साल की है? 3 4 बहन है, 4 बहन है हमारी। कितने साल की है? कोई 9 साल की बहन है आपकी? एक काम करो, 9 साल की बहन की ना शादी करा दो 50 साल के बुढ़े से। अगर वो बालिग हो जाना सुन्नत करवा देते हैं। पर आपको नहीं, सुन्नत आपको सुन्नत ना फॉलो करो। आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी। उस जमाने में 9 साल की लड़की बालिग हो जाती थी। एक्चुअली नहीं, आप गलत बोल रहे हो। जैसे जैसे नहीं, टाइम आप बढ़ता गलत गया है बोल ना, रहे हो। हाँ, नहीं, जैसे अगर जैसे हमारी टाइम बहन बढ़ता गया नौ है, साल की मेरा उम्र में बालिग हो जाएगी, तो अगर हमारी बात बहन 9 साल की सुनो, उम्र में बालिग हो जाएगी, हम उसकी करा देंगे शादी, कोई मसला नहीं है। 9 साल रोज की इतने अच्छे बच्ची आदमी बालिग से हो जाएगी तो आप उसकी शादी करा दोगे, चाहे उसका अंदर का सारा सिस्टम ही फट जाए। 9 साल हाँ, की कोई बच्ची बात बालिग नहीं, अच्छे हो भी आदमियों को तो जाती क्यों ना करवाएंगे अगर 9 साल की वो उम्र में भी बालिग हो जाएगी। जाती है ना, वो सेक्सुअली रेडी नहीं होती है, समझ में आई है ना आपको? हाँ, लेकिन आयशा को क्या जबरदस्ती करवाई थी? वो भी खुद उनने कहा था ना करना है उनको। अपने नौ घर साल से की क्यों बच्ची बेकार की को नॉलेज आप लोग लाते हो? क्या पता? 9 साल की बच्ची को क्या पता 9 साल की बच्ची का क्या कंसर्ट होता है? नहीं, वो 9 साल की बच्ची थी लेकिन उनका दिमाग बड़ा था और उस जमाने में बालिग हो चुकी थी। वो 1400 साल पुरानी बात है, ये अभी की बात नहीं है ये। देखिए, साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है दुनिया, तो आजकल की लड़कियां जो है वो जरा जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं उनके, और वो भी आपके ना 12 साल 11 साल में आते हैं। 9 साल में मैंने नहीं सुना आज तक किसी लड़की बालिग हो गई होगी, पता नहीं आपके वहां। वो आपकी आपकी गलती, आपने कहीं पढ़ा नहीं है वो। आप पढ़ लो, अच्छा, कोई भी किताब में मैं नहीं निकाल के पढ़ पढ़ के लो। बैठी हूँ, आपने नहीं पढ़ा है। आप नहीं, करते हो कि आप 9 साल की बच्ची की शादी कर दो। एक्चुअली वो थी 6 साल की जब उसकी शादी हुई थी, नहीं, 9 साल की थी, 6 साल की नहीं थी, 6 साल की उसमें शादी हुई नौ थी, 9 साल साल की में थी, सेक्स किया था। 9 साल में नौ सेक्स किया, पढ़ो जाकर, अपने जाकिर नालायक से ही पूछ लो, वही बता देगा। फिर उसके हाँ बाद पेट नहीं भरा तो उन्होंने लौंडियां भी रखी थी, 12 बीवियां तो और लौंडियां,
लौंडियों के बारे में आपका क्या? अल्लाह का हुक्म था। हाँ, आप ऐसे जाहिलों को समझाना बेकार होता है। अच्छा मुझे बताइए, समझाना बेकार होता है। ये मंडी खोली हुई है, मुझे ये बताया अल्लाह ने हीरा मंडी खोली हुई है, लड़कियां क्यों बेच रहे? ये यार इसकी लड़की ले जाओ, उसकी लड़की ले जाओ, मर्दों को बेचते ना, मर्दों को बेचते। किसने का बेच रहे थे? हर शादी किसी मसलहत के लिए हुई थी उस जमाने में। अच्छा, मसलहत थी वहाँ पे, जो कौम थी वहाँ पे सारे काफिर रहते थे। अल्लाह ने कहा था इससे शादी करो इस लड़की से, और उसके तो पूरे कौम वाले थे और सारे मुसलमान हो गए। भाई बन जाते, शादी क्यों करनी थी? बाप बन जाते, भाई बन जाते। नहीं, ये बाप क्या, ये बाप कैसे बनते हैं बताओ जरा? नहीं, बाप बन जाते हैं क्यों? अडॉप्ट नहीं करते? अडॉप्शन तो खत्म करते ना आप। ये मोहम्मद ने कह दिया नहीं अडॉप्शन ही हराम है, जब उनकी खुद की नजर पड़ गई। रुको रुको रुको, बाप कैसे बनते जब उसका बाप जिंदा है? आयशा हराम कर दो, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब बाप जिंदा है तो कैसा बाप बनेंगे बताए जरा? क्यों नहीं बन सकते बताओ? नहीं कैसे बनाएगा? हमारा बाप है, हम किसी और का अपना बाप बना रहे? बचाना था, वो बचाना था तो क्या हुआ, बाप बन जाते हैं। बीवी क्यों बनाई 9 साल की? भाई तुम लोग कहीं से भी उठा के लाओ, 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना इज पेडोफिलिया, ठीक है ना? अब आप अगर बालिग हो जाए तो नहीं होता, उस जमाने में ये नहीं था भाई। तो एक काम करो, बालिग हो जाते हैं बाहर के मुल्क में रहते हो, एक काम करो ना, 9 साल की बच्ची को जाके हाथ लगा के दिखा दो मेरे को। अगर वो बालिग होगी तो कर लेगा, बालिका जाओ ना, हाँ जाओ ना जरा बाहर के मुल्क में तुम बैठे हो, जाओ जरा 9 साल की बालिग बच्ची को, तू 12 साल की बालिग बच्ची को हाथ लगा के दिखा दो मुझे वहाँ पर ना, तू जेल में सड़ना पूरी लाइफ, तो मेरा नाम बदल देना। वो बालिग नहीं है तो क्यों हाथ लगाएंगे हम उसको? मैं बालिग मैं कह रही हूँ ना, बालिग तुझे, तुमने कैसे पता चलेगा तुमको वो बालिग है कि नहीं है? तूने जाके उसके पीरियड चेक करने? नहीं, जरूरी नहीं है चेक करने, इस जमाने में वैसे भी अब लड़कियां नहीं होती। पता चल रहा है वो जमाने में खाना, पहले के जमाने में खाना पीना अलग होता था। पहले के जमाने में सारे गर्म खाने होते थे, खजूर वजूर होते थे, उससे आप रह के आए हो पहले जमाने में? आप रह कर आए हो पहले जमाने में? अरे पढ़ा हुआ है, तुम जैसे जाहिलों से हम क्या पढ़ा क्या है तुमने, मुझे ये बताओ। हदीस पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, तुमने कभी नहीं पढ़ा। तुम जैसे बदनसीब तो मुसलमान पैदा होके भी मुसलमान का मजहब छोड़ दिया, मुझे बदनसीब और कौन हो सकता है? पिटाई का लिखा है, मुझे वो आयत बताओ जिसमें बीवी की पिटाई का, तुम्हें पता है कौन से चैप्टर में है, कौन सी आयत है? वो जरूर हमें पता करके बताएंगे, हमें याद नहीं। मैं तो पढ़ी हुई नहीं हूँ, आप पढ़े हुए ना, बताइए ना कौन सा आयत याद नहीं। जैसे ना होगी ना आपको डीएम करेंगे, कसम खा रहे हैं। बता सकती हूँ, मैं अभी बता सकती हूँ तुम्हें, वो ना पढ़ी थी मैं बता सकती हूँ अभी कौन सी आयत है, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम पढ़े हुए हो, स्कॉलर हो, जाकिर नालायक चले, तो आप बताओ ना। हाँ डीएम कर देंगे, देख लेना, पढ़ लेना और अपनी अपनी अकल ना ठिकाने ला। 434 चैप्टर 434 जाओ खोलो, क्या लिखा है बताओ। हाँ रुको 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 रुको, हाँ बताओ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताओ बताओ। दीन की पिटाई लिखी हुई है? नहीं तुम बताओ ना, तुम इतने पढ़े लिखे, हम जाहिल, हम तो जाहिल है, हमें तो पता ही, तुम बता दो। किसी ने आपको गधा बना दिया होगा, बताओ क्या लिखा है बताओ। मुझे गधा बना दिया, गधे शक्ल तुम्हारी है और गधी मैं बन रही हूँ? नहीं बताओ बताओ, नहीं बताओ आपके क्या पढ़ा है, जहाँ भी रहता है देख ले, अपनी बच्चियाँ संभाल लेना इससे 12-12 साल की लड़कियों को हाथ लगाने के लिए तैयार। आज बस ये चुतिया करना था, बताओ क्या लिखा है उसमें जल्दी। नहीं, बताओ क्या चुतिया लिखा है? चुतिया लोगों के साथ मैं ऐसी बात करती हूँ, आपको रंडी बात कोई हो नहीं सकता, रंडी लग रही हो, बताओ क्या से बात करता हूँ, मैली जिन से बात करना चाह रहा हूँ, बताओ आयत में क्या लिखा है। लग रही हूँ मैं रंडी, मैली से मैं बात करना चाह रहा हूँ, लग रही है इनसे बात करना चाहता हूँ। बता बता मैं इनसे मैं बात करना चाहता हूँ, बता बता पेडोफाइल से बात करनी आपने, करें जी मैं इन मोमिन से बात करना चाहता हूँ, करें करें। हाँ जी भाई साहब, मुझे आप ये बताएं, आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, अगर आप एक हिंदू घराने में पैदा हुए होते तो आप मुसलमान होते? क्या क्या समझा नहीं, हिंदू घराने में क्या? आप मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं, आप किसी हिंदू घराने में पैदा हुए होते तो क्या आप मुसलमान होते? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आका होते, रसूल होते, मुझे इसका जवाब दीजिएगा। हिंदू होते तो हमारे कोई और होता, हम किसी और, हमारे कुछ और बिलीफ होता। अच्छा तो ये फिर आप मुसलमान हो गए इस वजह से कि आप किसी एक मुसलमान घराने में पैदा हुए?
आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है आपकी। अच्छा आप मुसलमान हैं इसलिए कि आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए? हाँ सही सही है ना, तो आप मुसलमान हो अगर आप इसी हिंदू घराने में पैदा हुए। सही है, आपकी आवाज कट रही है, मैं समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। क्या वो कह रहे हैं कि अगर आप अगर एक हिंदू फैमिली में पैदा होते हैं तो आप एक हिंदू होते हैं, वो तो आप मुसलमान फैमिली में पैदा हो गए हो तो आप मुसलमान हो, राइट? जैसे क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होते हैं तो क्रिश्चियन होते हैं ना। अच्छा दूसरी जो बात मैंने आपसे करनी है, मुझे ये बताइए दुनिया की सबसे अजीम हस्ती जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुकद्दस और आला हस्तियां थी, वो सहाबा इकराम थी, आप एग्री करते हैं? आप एग्री करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो जो आला तरीन उमदा तरीन जो हस्तियां अभी तक इस जमीन पे आई हैं वो सहाबा इकराम थे, आप मानते हैं? बात करें ना। हाँ उसका हाँ मानते हैं, क्यों नहीं। अच्छा सहाबा इकराम कभी कोई गलती नहीं कर सकते, आप ये भी मानते हैं? नहीं, वो उनसे गलती हो सकती है, वो हम लोग की तरह नॉर्मल इंसान थे लेकिन सहाबा थे बस। अच्छा कभी आपने जंगे जमल का नाम सुना है? किसका? जंगे जमल। जंगे जमल नहीं, बताओ आप क्या है? ये आप कोशिश कीजिएगा, आज आप स्टडी कीजिएगा। सहाबा इकराम जो है ना, मैं आपका इतना बड़ा दुश्मन नहीं हूँ। जंगे जमल पता क्या थी? ये हजरत अली और हजरत आयशा के दरमियान लड़ी गई थी और इस दोनों जंगों में हजारों वो शहीद हो गए थे, मर गए थे। वो एक दूसरे से शदीद नफरत करते थे और हजरत उमाम उन्होंने सिर्फ उनको मारा नहीं था, उनका गला उतार उनको नेजे पे चढ़ा के तो उन्होंने जश्न मनाया। आप पहले जो है ना, मैंने अभी आपको नोटिस कर लिया है, देख लिया है, आपकी इतना नाकुक नहीं है, आप थोड़ा बहुत इसको स्टडी कीजिएगा। गालिब कुमार है उनको एंजल इन्होंने तो पढ़ा हुआ है, जाहिल तो हम हैं, ये तो पढ़े लिखे बैठे हैं। नहीं तो ये अभी इस बात से इसको क्या लेना देना है, हम जो बोल रहे हैं उस बात से इसको क्या लेना देना है? तो बहलीज को आप बुरा बुरा नहीं कह सकते, आप इनको बुरे नाम से नहीं पुकार सकते। मैं इसीलिए आया हूँ, इनको ज्वाइन किया है कि लोग इनको गालियां देते हैं। देखे आपका इस्लाम इस्लाम कबूल कर ले और ऐसे कट्टे बन जाइए। मैं बात करता हूँ इनसे, मैं बात करता हूँ। बोलो क्या हुआ? भाई साहब जो है ना, मैलीज ने कभी कोई मर्डर नहीं किया है, इसने कोई करप्शन लेकिन उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आखिरी बार क्या क्या बोल रहे हैं? पूरी दुनिया नहीं मानती तेरे मोहम्मद को, तो क्या हम तुम्हारे मोहम्मद की क्या कहते हैं गाड़ी अंदर घुस जाए? हाँ तुम लोग कैसे बोल रही है? तुझे तू मुसलमान है, तुझे राजी है ये जो सब कुछ बोल रही है? जैसे खुदाओं को तो तुम लोगों के खुदा को क्यों माने, मुझे ये बताओ। हाँ तुम लोगों को जितना बोलना है बोल साली, अभी देख ले जिस दिन कयामत आएगी ना उस दिन तू हमसे फेस करेगी, हम तुझे याद दिलाएंगे उस दिन, याद दिलाएंगे तू ना हमसे क्या बोला तू कुत्ते की तरह आग में चल रही है। नहीं हुई तू काफिरों के मुल्क में क्यों बैठे हो? काफिर के मुल्क कहाँ है? सऊदी अरब में बैठे हैं। सऊदी अरब में लग रही है एक नंबर की चैनल इंटरनेट यूज कर रहे हैं।
समझ नहीं है, कह रहा हूँ सऊदी अरब में बैठे हैं। ओ इंटरनेट तो यहूदी का है ना, फोन तो यहूदी का नहीं है, फोन तो यहूदी का है, काफिरों की इजाद है टट्टे। हम लोगों ने बहुत सीरियस बहुत सारी चीजें इजाद करी, तुम लोग इस्तेमाल करते हो। क्या इजाद किए तुमने, तुमने सिर्फ एक टट्टा इजाद किया क्या? हम लोगों का या तो मुसलमान का है, एक चीज बता दो, पुराने पुराने साइंटिस्ट सारे मुसलमान थे, बता दो एक चीज, बता दो सारे मुसलमान थे। ओ भाई एक चीज बता दो, सब कुछ हम लोगों का यहाँ पे दुनिया में, क्या सब कुछ है? एक चीज बता सकते, सब कुछ है, एक चीज बताओ, पूरे दुनिया में हम लोगों का है, एक चीज बताओ, सारे मुसलमान थे, नाड़ के अंदर से मुंगिया, सारे मुसलमान थे, कोई नहीं थे, कोई नहीं थे, एक चीज बताओ ना, क्या बात किया फिर? अच्छा एक चीज, तेरा ब्रेन वॉश हो चुका है, तू बस हमसे कयामत के दिन फेस करना, तू हमसे कयामत के दिन फेस करना, तू मुझे बता कि साइंटिस्ट इसकी बात किया तुम्हारे पे, सुसाइड वेस्ट कयामत के दिन फेस करना, तू तो भी बोल रही है ना, तू पछताएगी उसके लिए, एक दिन देखना तू पछताएगी। मैंने बात याद रखना, हमारा नाम सलमान है, उमर नहीं, हमारा नाम सलमान है। देखो मैं जलूं, मैं भूलूं, मेरे रोस्ट बने, तेरे को क्यों प्रॉब्लम हो रही? मैं तेरी माँ, तेरी बहन, तुझे क्यों प्रॉब्लम है? तेरी गांड क्यों हो रही? तू मुसलमान थी पहले और अभी उसको मुसलमान को गालियां दे रही है, तो शर्म नहीं आ रही? मैं तो मुसलमान को गाली नहीं दी, मैंने तो किसी मुसलमान को गाली नहीं दी, बहुत सारे मुसलमान यहाँ बैठ के मुझको देखते हैं। और भाई चौथ में एक बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम ऐसे तेजी से छोड़ रहे हैं ना, तुम्हारी ये जो फैंटेसी वर्ल्ड है वो ऐसे छोड़ रहे हैं, यूं 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 छोड़ रहे हैं, समझ में आई ना? कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, सब हम लोगों का जो है ना मतलब सब सच है, सब सच। और जो तुम लोगों जिसने तुम्हें चूतिया बनाया है ना, वो काफिरों ने बनाया और तुम्हारे ब्रेन वॉश कर दिया, उसके लिए तुम पछताओगी, ये बात याद रखना। मैं तो बड़ा पछता रही हूं काफिरों के मुल्क में बैठ के। समझ लो अल्लाह तुम्हें अभी आजमा रहा है, अल्लाह आजमा रहा है, जिस दिन अल्लाह को गुस्सा आएगा ना, बस उस दिन का इंतजार करना, कब आएगा गुस्सा को मुझे बताओ, कब आएगा? अल्लाह बहुत रहमत हो गए 14 साल से, तो 14 साल वाला है अल्लाह, बहुत रहमत वाला है, समझ अच्छा। आजमाइश चल रही है अभी, समझ अच्छा। और बाकी जो दुनिया भर के काफिर है वो सारे जन्नत में जाएंगे, तुम लोग सिर्फ अपने कट्टे लेकर तुम लोग जाओगे हूरों के पास। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, खुश फहमी तुम लोग, खुश हाँ। तो क्या जो पुतलों के सामने अपनी गांड झुकाते हैं वो जाएंगे जन्नत में, उनका पुतला बना के उनका वहाँ जाते हैं, तुम लोग काबे के अंदर क्या है, पत्थर है जिसके आगे तुम लोग यूं 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 चक्कर मार रहे होते हो, उसके अंदर पत्थर है, मारते हैं अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम होता है, अल्लाह का नाम होता है उसका, इतने गलीज अल्लाह का नाम होता है, पत्थर की हजारों पे अल्लाह का नाम होता है, जब काबे का चक्कर काटते होते हैं तो नाम अल्लाह का होता है जबान पे, क्या गलीज लोग, एक ही चीज को जाके उससे ज्यादा गलीज और क्या होगा साली, मुसलमान थे और मुसलमान मतलब छोड़ दिया, तो उससे ज्यादा गलीज और क्या होगा बता, तुम लोग बड़े साफ, तुम लोग बड़े साफ लोग, फूके भी ना, बच्चों के साथ शादी करो, लौंडिया रखो, बालिग हो चुकी थी, बालिग हो चुकी थी तूने पूरी टॉपिक पूरा ही खत्म हो जाओ, बालिग हो चुकी थी, पुराने जमाने में लड़कियां ज्यादा जल्दी बालिग हो जाती थी, वो बैठा था उम्र में लड़कियां बालिग हो जाती, उस जमाने का खाना अलग था, उस जमाने का अलग है, उस जमाने में जो लड़कियां होती थी 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती थी, पता होनी चाहिए, मतलब तू मुसलमान पैदा हो तुम्हें कुरान कभी नहीं पढ़ा होता ना, तो ऐसा कभी नहीं होता, ये टट्टा सही है, सारों ने झक मार ली लोगों ने, तू रंडी की बच्ची, तू सही है क्या, नंगी घूमती है पूरी जगह, मैं तेरी माँ की बच्ची, तू है रंडी की बच्ची, नंगी घूमती है ना तू, नंगी घूमती है भोपरे की बाकी, तू तेरी नंगी घूमती है ना तू, तो रंडी है, समझ में आई साली, चुप, मैंने भी तुझे छोड़ दिया गांड मार के, तेरी ना छोड़ दिया तुझे बच्चे के साथ, ये ले पकड़ गांड मार के, ये होता है जब मुसलमान का मजहब फॉलो ना करो ना, किसी से भी चुप जाती है औरत, जब को फॉलो नहीं करती ना, किसी से भी गांड मारा देती है, फड़वा देती है किसी से भी, और बच्चा पैदा कर लेती है, फिर सिंगल मदर होने का वो करती है ढिंढोरा, बुद्धि साली तुम लोग, चुपते हो तुम लोग, पहले चुपते हो तुम लोग, छोटी वालों की चूत तुम्हारी,
क्या जिंदगी है ये काफिरों की, चालो भोसड़ी वालों, जानवरों वाली जिंदगी है, किसी को कोई भी मेरा पकड़ के छोड़ दो, हम लोग मुसलमान में शादी करना जरूरी है, आपकी बात सुनी, तेरे मैंने तुझे शादी करके छोड़ दिया, भोसड़ी की शादी नहीं छोड़ दिया तुझे, माँ की चूत तेरी साली भोसड़ी की चोट में तुझे छोड़ दिया, लगता है कि तूने किस दल्लों को ला रही है, अपने जैसे दल्लों को ला रही है किसी को, है ना, ओए अंकल इतना तप क्यों रहे हो यार, रुक जाओ ना थोड़ी देर अंकल जी बोलिए। हाँ भाई बात करें, आप बात करें। अच्छा ये आप कह रहे हैं जी कि उस वक्त डाइट बड़ी जबरदस्त होती थी और बच्चे बड़े जल्दी जवान हो जाते थे, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। अब तो सिर्फ लड़कियां ही होती है या लड़के भी हो जाते थे? लड़कियां होती हैं, लड़कियां, लड़के नहीं होते थे? अच्छा ये कौन सी स्पेशल डाइट है जो सिर्फ लड़कियों को जवान करती है, लड़कों को नहीं जवान होते? अभी आजकल के जमाने में लड़कियां ज्यादा जल्दी जवान होती हैं। नहीं यार, नहीं नहीं, अभी भी तो उसी है, उसी हिसाब से जवान होते हैं। मुझे आप उसका बताएं ना, बड़े एक्सपर्ट हैं जी, 1400 साल पुराने आप एक्सपर्ट आए हैं, तो मुझे बताएं आप क्यों नहीं, लड़के लड़के क्यों नहीं होते थे, लड़कियां क्यों होती थी जवान, ये बताएं आप। तो मुसलमान है पहले ये बता। नहीं मैं मुसलमान नहीं रहा, आप नहीं रहा, आप बताओ बताओ पता नहीं आप पत्थर के नीचे रह रहे हैं, आपको पता ही नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है, आप हर किसी को बुला के पूछ रहे हो, जो उर्दू बोल रहा होगा उसको बुला के पूछ रहे हो, यार तुम मुसलमान है, अच्छा यार पता नहीं आप इतनी गालियाँ देते हो, पता नहीं अल्लाह मियां ने आपको स्पेशल परमिट दिया है गालियाँ देने का? नहीं हम की सुनत पूरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम मानते हैं हम गुनाह कर रहे हैं, हमने नहीं बोला हम अच्छा काम कर रहे हैं, गाली तो गुनाह कर रहे हो तो भाई क्यों अपनी कब्र भारी कर रहे हो यार, अपने जवाब नहीं देना अल्लाह मियां को, अल्लाह मियां ने कबाब बना देने आपके, मुसलमान हो तो हमारी फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम मुसलमान हो यार, मुझे तो छोड़ो ना, जिस चीज को तुम मानते हो उसको तो अवॉइड करो ना, हमारे हिसाब हमारा अल्लाह के साथ है, तुम्हारा कोई दखल नहीं है इसमें, तुम मुसलमान नहीं हो ना तो फिर ऐसे ऐसे इंसान को तो मुनाफिक कहते हैं ना, कि जो दूसरों को तो बड़ी नसीहत करता हो लेकिन खुद ना हो।